देखिए गाइस, मम्मी कान्हा जी के ड्रेस बना रही है जन्माष्टमी के लिए, और बना भी चुकी है, अभी दिखाते हैं आप। और ये यहाँ पे नवाब बार बार परेशान कर जा रहा है सबको। इधर यहाँ पे फोन पे बात करके टाइम पास कर दिया। मम्मी तुम्हें बोलते ना आज मैंने नहीं कह दिया, चली गई उठ के। देखिए अब ये वहाँ पर चली गई है, और ये देख रहा है कि बुआ बाहर क्यों गई है बात करने। मम्मी वाली सिद्धि करना घेरा इनका। ये देखिए अभी मम्मी ने इतना घेरा तैयार कर दिया है, और ये बना दिए, और एक और बन चुकी है। ये देखिए, ये तीन ड्रेसेस बनाई मम्मी ने अभी में, आज ही बनाई है अभी। ये देखिए, ये जो बड़ी वाली ननंद है ना, ये उनके कान्हा जी की है, ये हमारे बड़े वाले कान्हा जी की है, ये छोटे वाले के लिए सबसे। तो छोटे से इट जी बैठे हैं वहाँ पे, ये इन दोनों की बनी है, और तीसरे जो बड़ी वाली ननंद है उनके कान्हा जी की बनी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी ये ड्रेस। मम्मी अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हैं, हर बार बनाते हैं। मम्मी जो पहन रहे हैं ये भी मम्मी ने ही बनाई है। गई मम्मी, भैया को लेने गई। तो गाइस देखिए, मम्मी ड्रेस बना के जा चुकी है अभी सिलाई के लिए। और ये देखिए यहाँ पे पता है क्या हुआ, ये जो दिख रही है ना आपको, अभी रुको दिखा दो, ये जो दिख रही है ना आपको, यहाँ पे ना कबूतर का घोंसला था पिजन का, एंड बिचारी का अंडा गिर गया यहाँ पे। और मैं दिखाती, मैंने यहाँ से उठा दिया, फिर मैं खो दिया। बट ये देखिए, ये मैं उठा के ले आई हूँ बेचारी। किसे बुला रहे हो? पारी दे, तो पारी एक बार और, वन मोर, बाय कर दो। तो हे एवरीवन, देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे। अब मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मम्मी एंड कान्हा जी की ड्रेस बना रही थी, बन भी चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ तीनों कान्हा जी की। तो और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, आज समीक्ष गए हुआ है स्कूल में, वैसे तो ऑफ है सब बच्चों का, बट समीक्ष का नहीं है क्योंकि समीक्ष ले रहा है एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है, तो जी पार्टिसिपेट कर रहा है वो, तो वो कर रहा है पार्टिसिपेट कान्हा जी के फ्रेंड का, मतलब मीन्स की सखा का। तो कल हमारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो इसीलिए प्रोग्राम भी है स्कूल में, बच्चों के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो मैं आपको तो जो भी होगा दिखाऊंगी ज़रूर, अभी तो वो प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है, तो आने वाला है, अब लेने गई है मम्मी उसे, 11 AM का था एंड 12:30 PM तक थी बस उसकी जो तैयारी चल रही थी प्रैक्टिस वगैरह। तो अभी उसकी मैम का कॉल भी आया था मुझे सुबह एक बार से फिर रिपीट करवाने के लिए, एंड उसके आज कॉस्ट्यूम भी लानी है जो उससे रिलेट होगी, सखा से, कान्हा जी की सखा से। उसका भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट होता है कान्हा जी के सखा का, कान्हा तो बचपन में भी बना था बट अब ये कान्हा जी के सखा बनेंगे। तो जी बस आज हम इनके लिए शॉपिंग भी करेंगे समीक्ष के लिए, एंड देखते हैं क्या क्या लाते हैं, क्या क्या आता है। तो मिलती हूँ आपसे मैं बाद में, अभी मेरा काम सब हो चुका है, बस किचन में बर्तन थोड़े से क्लीन करने रह गए हैं, वो करूँगी क्योंकि आज बहुत सफाई हुई है, जो फैला हुआ बिखेरा हो रखा था वो सब हुआ है। मंदिर कल मम्मी ने शाम को साफ कर दिया है, मैं अभी हाथ नहीं लगा सकती मंदिर के, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं किया। अभी ड्रेस भी नहीं बना पाई मैं इस बार,
तो देखते हैं, कल को तो मैं कर लूँगी, आज भी कर सकती हूँ अब तो, बट देखते हैं जो भी हुआ। वरना मैं हर बार बहुत मन से ड्रेस बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे भी मुझे आती है थोड़ी बहुत। मैं नहीं कहती कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट आती है, जैसी भी आती है मैं बनाती ज़रूर हूँ, बट इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई खाना जी के लिए। तो मैं सोच रही जो भी हो थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जाऊँगी तो थोड़ा बहुत जो भी होगा उनके लिए लेके आऊँगी, जो उनकी कड़ुली है, माला है, उनकी पगड़ी है या मुकुट है, जो भी है। देखते हैं क्या आता है आज मार्केट से, जाएंगे ज़रूर और आपको भी दिखाएंगे थोड़ा मार्केट का व्यू भी। तो चलिए, आज बहुत रौनक होगी मार्केट में भी, क्योंकि जब हम पिछली बार गए थे ना मैं और मेरी नैना, तो बहुत रौनक थी, बहुत ज़्यादा रौनक थी। तो आज इस बार भी मिलेगी देखने का, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड कल मेरा ब्लॉग कल भी देखना, जो कल मतलब कल रात को शायद अपलोड करवा दूँ मैं, क्योंकि कल ज़रूर बनाऊंगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए जी, मेरे ब्लॉग में बने रहना आगे तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग को पहले कंटिन्यू करने से पहले जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाना। और एक और बात, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। तो गाइस देखिए, ये रहा टोटो मतलब समरी छोटे वाला, इसने अभी खाना खाया, जो बाकी इसके पेट में नहीं गया ना, टम्मी में नहीं गया, वो इसने फैलाना शुरू कर दिया। थोड़ा सही है ये, इतना सही। तो बस ये अभी सोकर उठा था, फिर इसको भूख लग गई, तो ये भी अब इसने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया समृद्ध? समृद्ध, समृद्ध खाना खा लिया? किसने खाना खाया है खाना किसने खाया है? कहाँ से खाना खाया आपने? यहाँ से खाया खाना? तो गाइस देखो, मैं आपको अभी एक चीज दिखाती हूँ, देखिए ये है मेहंदी जो कि मेरी छोटी ननद ने लगाई है। अभी ये राइट हैंड में लगी है, लेफ्ट हैंड में तो मैं अपना आप लगा लूँगी, बट राइट में नहीं लगती, तो इसीलिए उनसे लगवाई है। तो जी देखिए, मेहंदी मैंने आपको दिखा दी है, सिंपल सी है, यूनिक सी है, अच्छी लग रही है मेहंदी। तो बस अभी हम जाएंगे मार्केट, मार्केट से लाना है हमें थोड़ा बहुत सामान, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी उनकी क्लास चल रही है, तो क्लास जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जाएंगे हम। तो अभी तो मैं इसको देखती हूँ, अभी नीचे में देखो जीने पे चढ़ गया जाके। तो देखिए अभी इसमें नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ इस वाले में नहीं लगी है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे दी का एक मैसेज आ रखा था, तो आपको याद होगा मैंने राखी वाले ब्लॉग में बताया था कि दी को, दी ड्रेस बनाती है कान्हा जी की, तो अब की बार फिर बनाई है उन्होंने जन्माष्टमी के लिए, वो हर बार बनाती है। मैं आपको उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी, क्योंकि दी ने मेरे को वीडियो बनाकर भेजी है ड्रेसेस की, तो बहुत अच्छी अच्छी और यूनिक सी ड्रेस बनाती हैं वो। मेरा भी मन करता है बट मुझे, हमें वही इतना टैलेंट नहीं है, हमें नहीं आती। तो बस दी ने बना रखी है, मैंने आपको जो थोड़ी बहुत भी वो क्लिप आई है वो मैं आपको दिखा दूँगी, आप देखना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ड्रेस कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। देखिए ये मेहंदी ले रहे हैं, मेहंदी लगाने की तैयारी, ऐसे ही लगा रहे हो, मेरे हाथ में लगा दो, ये देखिए, वाओ टोटो ने तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है, देख रहे हो आप गाइस, मेरे बेटे ने मेहंदी लगाई है मेरे, देखिए मेहंदी लगा रहा है अभी। आपने लगाई है ये आपने लगाई है? ओ देखो इन्होंने लगाई है ये मेरे हाथ में, अच्छी लग रही है ना? क्या आपके बेटे भी लगाते हैं आपकी मेहंदी? मेरे बेटे तो जरूर लगाते हैं, देखिए देखिए देखिए, यूं कह रहा हिलो मत, हिलू नहीं, मम्मा हैंड हिला रही है, हैं? देखिए अब फिर लगाएगा, इसको मेहंदी नहीं निकल रही ना, इसलिए कर रहा है, देखो
लग गई? ये आपने लगाई है? है ये मेहंदी आपने लगाई है? देखो गाइस, देखिए कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है मेरे लड़के ने, टोटो ने। अच्छी लग रही है ना आपको? हम आ चुके हैं मार्केट से एंड मैं अभी आपको सामान दिखा देती हूँ। जो समीक्ष का सामान था वो तो नीचे ही है, तो मैं वो दिखा नहीं पाई आपको, तो मैं उसकी पिक लगा दूंगी। जो पिक लगेगी वो दिख जाएगी आपको, बीच में दिख जाएगी। मतलब वही उसके हम लाए हैं, सिर्फ धोती लाए हैं, पटका लाए हैं, बंसी है एंड माला एंड इयररिंग्स हैं उसमें। उसके मिल नहीं रहे थे तो बहुत मुश्किल से हमें धोती मिल गई फाइनली, खाली धोती धोती। तो जी हम फिर वो ले आए हैं और अब वो नीचे ही, अब उसकी बुआ है जो प्रेस प्रेस कर देगी कुर्ते पे उसके। और मैं आपको बीकाना जी का सामान दिखाती हूँ। अरे देखिए मेहंदी का भी इतना ही कलर आया है। तो जी देखिए, बस उसमें से ना मुकुट रह गया था जो हम उसका लेकर आए सामान। तो ये रहा ये मुकुट है, ये दो पंखों का जोड़ा है, ये हमारे जो छोटे वाले कान्हा जी हैं उनकी ड्रेस है ये। हम सोच रहे थे हम थोड़ा दूर जाते बट हम फिर पास से ही लेकर आए, तो ये अच्छी लगी और उससे ज़्यादा हमें ये अच्छी लगी थी ड्रेस। तो ये लेकर आया हम अपने छोटे लड्डू गोपाल के लिए। ये लाए हम बड़े वाले की माला, और ये हम दोनों की लाए हैं। इसमें दो थी तो छोटे वालों की ये दो आ गई, इस बार दो लाए हैं। और ये है, ये कड़ूली है, ये बड़े वाले की है। देखिए इसमें ना फ्लावर है रोज, ऐसी सेम छोटे वाले की है। ये दोनों की सेम है। और ये लाए हम पगड़ी, ये बड़े वाले की पगड़ी है। छोटे वाले की दिखाते हैं आपको, ये रही छोटे वाले की पगड़ी, ये देखिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है सामान, कैसा लगा दोनों का। और ये देखिए हम लाए हैं केस, ये हमारे छोटे वाले कान्हा जी के हैं, बड़े वाले के तो हैं, बड़े वाले के मैंने अपनी दीदी से बनवाए थे तो उनके तो हैं केस। और इनके छोटे वाले के लाए हम ये घुंघराले से देखकर, ये देखिए अच्छे लगेंगे, कल देखेंगे, देखना आप जब तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और ये बड़े वाले की ड्रेस है जो हमारे बड़े वाले कान्हा जी हैं, जो हमारे बड़े वाले कान्हा जी ना 6 नंबर के हैं, तो उनका 6 नंबर का साइज आता है, बड़े कान्हा जी हैं। तो जी कैसी लगी आपको हमारी ये छोटी सी मिनी शॉपिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड बाकी कल आपको जब ये सब रेडी हो जाएंगे ना पहन लेंगे तब आपको दिखेगा लुक इनका और भी अच्छा। तो गाइज बस अब मैं खाना बनाने जाऊंगी, तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड कल है कृष्ण का जन्म, तो जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी जन्माष्टमी। एडवांस में ही ये ब्लॉग आज ही जाएगा, जो नेक्स्ट ब्लॉग कल का होगा वो कल ही आएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बाकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को साल कटारिया ब्लॉग एंड, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ब्लॉग पूरा तो लाइक जरूर कर देना, एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, गुड नाइट।